हेलो गाइस, अगर आपको भी आपके फेसबुक के अंदर आपकी आईडी को लॉगिन करते वक्त कुछ इस तरह से एरर आ रहा है तो गाइस, आप यहां पर इस एरर से छुटकारा पाने के लिए हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले गाइज, आप सभी को इस एरर से छुटकारा पाने के लिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। फिर आपको गाइज यहाँ पर फेसबुक को सर्च कर लेना होगा। फेसबुक को सर्च कर लेने के बाद गाइज, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपको कोई अपडेट आया हुआ है तो गाइज आप यहाँ से अपडेट कर लीजिए। हो सकता है गाइज अपडेट आने की वजह से अगर आपका बहुत पुराना अपडेट आया हुआ है और आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो अपडेट की वजह से भी एरर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज आप यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ज्वाइन द बेटा। तो गाइज आपको यहाँ पे एक ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है, ज्वाइन। तो गाइज आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कीजिए और गाइज आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कीजिए। गाइज मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर फेसबुक के बीटा वर्जन में ज्वाइन हो जाओगे, गाइज फेसबुक पर जो भी अपडेट आने वाला है वो पहले ही आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से गाइज आपके एरर फिक्स हो जाएंगे। गाइज आप यहाँ पर लॉगिन करके देखिए आपकी आईडी, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई या फिर नहीं। फिक्स हो जाती है तो अच्छी बात है गाइज, अगर नहीं होती है तो आपको आपके फेसबुक पर लॉन्ग प्रेस करना होगा और गाइज आपको यहाँ पर एफ इनबो पे क्लिक करना होगा। फिर गाइज आप यहाँ पर कुछ इस तरह के पेज पे ओपन हो जाओगे। गाइज सबसे पहले आपको नीचे की तरफ क्लियर डेटा पे क्लिक करना होगा गाइज, और आपको यहाँ पर क्लियर कैचे पे क्लिक करके ओके कर देना होगा। फिर गाइज आपको क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। फिर आपको यहाँ पर बैक आ जाना होगा गाइज, आपके फेसबुक को ओपन करके देखिए और आपकी आईडी को लॉगिन करके देखिए। गाइज अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आपको गाइज कुछ दिनों तक वेट कर लेना होगा। गाइज आपको यहाँ पे 5 से 6 दिनों का वेट कर लेना होगा। तब तक के लिए गाइज मैं आपको बता दूं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको आपके क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। फिर गाइज आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा facebook.com और गाइज आपको यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आप आपकी आईडी को यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर लीजिए गाइज, तब तक आपकी वो एरर ठीक नहीं होती। तो गाइज आप यहाँ पे तब तक के लिए आपके क्रोम ब्राउज़र में आपके फेसबुक आईडी को यूज़ कर लीजिए। गाइज अगर आप आपकी आईडी को क्रोम ब्राउज़र में यूज़ नहीं करना चाहते तो गाइज आप यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और गाइज आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए एफबी लाइट। गाइज मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे फेसबुक लाइट को यूज़ कर लीजिए जब तक कि वायरर आपका ठीक नहीं होता। गाइज मैं आपको बता दूं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो गाइज आप यहाँ पे आपकी आईडी को यहाँ पे फेसबुक लाइट को तब तक के लिए गाइज आप यूज़ कर लीजिए। गाइज आपका ये फेसबुक एरर या 2 या 3 दिन में भी ठीक कर सकता है, लेकिन गाइज आपको यहाँ पे 5 से 7 दिन का वेट कर लेना होगा, फिर गाइज आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आज की वीडियो में मुझको आपको इतना ही बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।